की तबाह कारियों को 6 माह बीत गए हैं, ताहाल मुतासरीन की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। रुझान में सैलाब मुतासरीन के घरों में फाकों का राज है। आलमी इदारे खुराक और एक्ट इंटरनेशनल का अहसन इकदाम, जिला राजनपुर में 7,000 खानदानों को 3 माह तक माहाना 12,000 रुपए की इमदाद पहुंचाई जाए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली असदुल्ला से। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, सैलाब को गुजरे 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानब से सिर्फ जब सैलाब था तो लोगों का हाल पूछा गया था, उसके बाद जो है सैलाब मुतासरीन का हाल पूछने तक भी नहीं है। लेकिन जो है फलाई इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है लोगों के लिए जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानब से और एक्ट इंटरनेशनल की जानब से लोगों की असेसमेंट की गई और उन्हें जो है 12,000 की जो रकम है वो तकसीम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सैलाब मुतासर खातून है। जी अम्मा, बताइए ये पैसे आपको जो मिले हैं इन पैसों से आप क्या कह रही हैं, एनजीओ के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जो अल्लाह की बहुत मेहरबानी, हमें ये 12,000 के किश्त दो दिए हैं। हम बहुत दुखियारी थे, अब हम सुखी हो गए। हम तीसरी किस्त हमें मिलने वाली है, मजीद हमारा तामुल करें। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन की जानिब से आपने सुना कि उनका यही कहना था कि हम इन पैसों से अपने घर का जो है गुजर बसर कर रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, और आलमी इदारा खुराक की जानिब से जो पैसे दिए जा रहे हैं वो अपने घर का जो है उन पैसों से जो है चूल्हा जला रहे हैं। उनका मजीद ये कहना था कि रुझान के लिए वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए जाए ताकि लोगों को यहाँ पर जो है वो सहूलियात मिल सके। जी।